वर्ड प्रॉब्लम, टुडे वी स्टडी द वर्ड प्रॉब्लम. गवर्नमेंट एग्जाम्पल देगी. वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा कि जो आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन आपको एक सेंटेंस फॉर्म में दिया जाएगा, वर्ड्स के रूप में पूरा सेंटेंस बनाएंगे. जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, गवर्नमेंट अलॉट 20,435 हाउसेज इन सिटी ए. कि सिटी ए में 20,435 हाउसेज दिए हैं सरकार ने, 63,500 इन हाउसेज इन सिटी बी. सिटी बी में कितने दिए हैं, 63,500, एंड सिटी सी में 7,799 दिए. तो टोटल हाउसेस कितने दिए हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहले 10,000, 1,000, 10, 1 नंबर ऑफ सिटी अलॉटेड, नंबर ऑफ हाउस इन सिटी अलॉटेड इन ए, ए के लिखेंगे ऐसे. फिर आप क्या लिखेंगे, बी के लिखेंगे, नंबर ऑफ हाउस अलॉटेड इन सिटी बी, नंबर ऑफ हाउस इन सिटी अलॉटेड इन सी. और आप तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि 5 + 9 = 14 carry 1, 3 + 9 = 12 + 1 = 13 carry 1, 4 + 7 = 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 1 = 17 carry 1, 7 × 3 = 10, 10 + 1 = 11 carry 1, 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9. The total number of houses allotted by government is 91,734. कि total house किसने दिए हैं government ने, 91,734. तो आइए सेम आप question number 1 पर, in an entrance examination, girls कितनी है, 4,159 and the boys 3,298 boys. How many students were appeared in the फॉर द एग्जामिनेशन. तो आप क्या करेंगे, 1,000, 10,000, 1,000, 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
लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास कितनी है, 4159. तो 4159 है नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज लिखेंगे 3298. आपके पास क्या है, बॉयज है. आप इनको क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो 8 और 9 17 कैरी 1, 5 9 14, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने आ गए हैं, 7456. आपको इस तरह से सॉल्व करना है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है. एक्सरसाइज नंबर 2.3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन ए स्कूल देयर आर 1024 स्टूडेंट इन अ ग्रेड 1 एंड 2. ग्रेड 1 एंड 2 में कितने स्टूडेंट हैं, 1024 एंड 1999 स्टूडेंट इन ग्रेड 3 एंड 4. कि 1999 ग्रेड 3 एंड 4 में है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल. आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं. तो आप क्या लिखेंगे, बी पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. तो 1000 times 1 10000 1000 times 1. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड कितने हैं आपके पास, 1024. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड कितने हैं, 1990. आप इनको क्या करेंगे, इनको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो टोटल आपके पास आ जाएंगे
कि टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 4 + 0 = 4, 2 + 9 = 11, कैरी 1, 9 + 1 = 10, कैरी 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 3014।